ट्रॉन के अंदर जो है यहाँ पे स्टेबल कॉइन आया, जिसकी वजह से ट्रॉन जो है यहाँ पे 0.072 सेंट से यहाँ पे जो है ट्रॉन की इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पे स्टेबल कॉइन को लाया गया, जिसकी वजह से इसके नीचे जो है प्राइस यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है, अभी के टाइम पे अगर $25 अभी जो है अवेक्स चेन के अंदर यहाँ पे प्राइस चल रहा है, तो आप लोग को यहाँ पे सोचना है कि आप लोग को क्या करना है। मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट जो है यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे अवलेंचा चेन के बारे में। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस कॉइन को अगर आप लोगों ने होल्ड नहीं किया है तो इसको होल्ड करना चाहिए। क्यों, इसके बारे में मैं आज वीडियो लाया हूँ, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में आप लोग को समझाऊंगा क्यों इसको जो है अपना पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके रखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे डिसीजन लीजिए कि इस कॉइन के साथ आप लोग को जाना है, बाय करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर जो है आप लोग यहाँ पे सोच सकते हैं। तो सबसे पहले अभी के टाइम पे अगर इसकी प्राइस की बात करें तो $25.58 जो है अभी के टाइम पे चल रहा है। एंड 24 हर्स के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो 13% की ग्रोथ जो है इसके अंदर हम लोग को देखने को मिला है। हालांकि जो है मार्केट के आप अभी के टाइम पे सारे मार्केट के अंदर इतना मनी नहीं है। एंड बिटकॉइन के अंदर डोमिनेंस अगर देखेंगे तो 45 से ऊपर जो है डोमिनेंस चल रहा है। ऑल्ट कॉइन के अंदर अभी के टाइम पे इतना जो है पंप आप लोग को देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये एक कॉइन है जहां पे आप लोग को जो है पंप आप लोग को देखने को मिला है। क्या कुछ न्यूज है जिसकी वजह से इसके ऊपर पंप हो रहा है, एंड इसको जो है कौन सी ऐसे प्राइस के ऊपर आप लोग बाय कर सकते हैं, एंड अगर आप लोगों ने होल्ड किया है तो क्या इसको होल्ड करना एक सही डिसीजन है कि नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जाते हैं, लगभग 1 month पहले इसकी जो प्राइस था लगभग यहाँ पे $69 इसकी प्राइस था, अभी के टाइम पे अगर देखेंगे तो लगभग $21 को ये हिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत हाइप इसके अंदर आ रहा है। एंड रैंकिंग की बात करें तो 14 नंबर रैंक के ऊपर ये रैंक करता है, एंड लगभग यहाँ पे 800,000 से ऊपर जो लोग है इसको वॉच लिस्ट में रखे। एंड इसको अगर बात करें चेन की तो ये अभी जो है यहाँ पे अवलेंचर जो है ये बेसिकली इसकी सी चेन जो है इसका खुद का नेटवर्क है, एंड यहाँ पे बाइनांस भी इसको सपोर्ट करता है। बाइनांस चेन के ऊपर भी ये पहले बिल्ड हुआ था, लेकिन ये अभी जो है इनका खुद का चेन यहां पे इंटीग्रेट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां पे बात करें इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की, लगभग यहां पे 2 million जो है टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर यहां पे है, लगभग यहां पे ठीक राइट चेन है। तो यहां पे देख सकते हैं इसका सप्लाई है टोटल, तो अभी जो टोटल सप्लाई है लगभग यहां पे 4 million जो है इन्होंने रखा है जो यहाँ पे अभी जो है मार्केट के अंदर है। एंड 7 million जो है टोटल इसकी सप्लाई है। तो अभी के टाइम पे मार्केट कैप की अंदर देखेंगे तो लगभग 6 billion इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज किया है। 24 hours के अंदर देखेंगे तो 81% इसकी इंक्रीज हुआ है। एंड ऑल टाइम हाई से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो लगभग यहाँ पे $134 तक ये जो है अवलेंचर चेन जो है एबेक्स ये जो कॉइन है यहाँ पे हिट किया था। उसके बाद में अभी अगर देखेंगे $21 को हिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा अपसाइड में मूवमेंट ले रहा है, वो क्यों ले रहा है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो लगभग यहाँ पे $13 से ये एक अच्छा खासा पंप लिया जो यहाँ पे $134 तक यहाँ पे हिट किया था। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग इनकी ट्विटर हैंडल पे जाते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं इनके ऊपर क्या कुछ न्यूज है। तो फास्ट, लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली जो है ब्लॉकचेन है, एंड बिल्ड योर रेडी टू लॉन्च योर डैप्स सबनेट मिंट योर ओन टोकन इंटीग्रेट एंड एक्सचेंज स्टार्ट बिल्डिंग ऑन अवलेंचर। तो बेसिकली इसकी जो इस चेन के अंदर जो है बेसिकली जिसने हमने यहाँ पे बात किया कि ये जो है बाइनांस चेन के ऊपर पहले बिल्ड हुआ था, एंड यहाँ पे देखेंगे तो बाइनांस जो अवलेंचर सी चेन, तो सी चेन के ऊपर इन्होंने जो है इंटीग्रेट किया था। उसके बाद में इसके ऊपर जो है डी एप्स एंड यहाँ पे जो है मिंट योर ओन टोकन यहाँ पे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं इनकी ब्रिज के ऊपर जाके, एंड एक्सचेंज जो है इसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है ये न्यूज अभी तक नहीं आया था, तो ये जो है अभी धीरे धीरे जो है इसके ऊपर न्यूज जो है इनका आना स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे जो है 15 hertz एगो जो है इसके ऊपर डैप सैंड जो है NFT मीट अगर आप लोग करना चाहे तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं, एंड एक्सचेंज अगर बिल्ड करना चाहे तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो है Web3 एंड डी एप्स के ऊपर जो है यहाँ पे काम करता है, एंड ये जो प्रोग्राम है ये अभी जो है यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। लो कॉस्ट इकोसिस्टम फ्रेंडली जो है यहाँ पे आप लोग जो है बिल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कंपेयरिंग टू अदर ब्लॉकचेन के साथ इन्होंने कंपेयर किया है जो है बिटकॉइन, इथेरियम, पोलकाडॉट, तो जो भी प्रोजेक्ट होता है तो वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे जरूर यहाँ पे कंपेयर करता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है इनकी कंपेरिजन आप लोग देख सकते हैं। हम लोग बेसिकली जो हमारा जरूरी की चीज़ है यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन फ्रिक्वेंसी, तो इसके ऊपर देखेंगे तो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन जो है 60 मिनट जो है इथेरियम में, पोलकाडॉट में 60 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड जो है अवलेंचर चेन के ऊपर यहाँ पे लगता है। तो इसको आप लोग को जानना जरूरी है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ वैलिडेटर, तो वैलिडेटर जो है 3 pools यहाँ पे 51% हाईएस्ट रेट इसके ऊपर जो है बिटकॉइन के ऊपर,
टू पुल ये जो है कोडिंग सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मेरे को नहीं है। 51% हैश रेट जो है इथेरियम के अंदर, एंड 200 नोड जो है रियली चेन के ऊपर जो है पोलका डेट की, एंड 1000 ऑफ नोड जो है यहाँ पे अवलेंसर चेन के ऊपर यहाँ पे रन करता है। के ऊपर अगर आप बात करें तो बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क एंड इथेरियम जो है प्रूफ ऑफ वर्क, एंड जो पोलका डॉट है प्रूफ ऑफ स्टेक, एंड प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर जो है अवलेंसर चेन जो है यहाँ पे काम करता है। तो सेफ्टी थ्रेश होल्डर के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ये सेफ्टी परसेंट जो है बिटकॉइन के अंदर 51%, 51% एंड पोलका डॉट 33%, एंड इसका थोड़ा सा ज़्यादा है जो 80% जो है इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो इसको थोड़ा बहुत जो है आप लोग यहाँ पे आके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि आप लोग इसके अंदर जो है इको सिस्टम है, इसके अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो इसकी इको सिस्टम के अंदर जो है पार्टिसिपेट डी फाई टू यार्न एबीएक्स के अंदर जो है आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आबे वेन्यू की है, कर्व है, ये जो है पहले से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लगभग यहाँ पे 20 मिलियन इन अवेक्स रिवार्ड जो है आप लोग को यहाँ पे मिल चुका है अगर आप लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा तो। अभी के टाइम पे जो है ये एक कमिंग सून है, इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंपल आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एंटर एंटर आपके ऊपर क्लिक करेंगे, अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे कैसे क्या करना है इसके ऊपर थोड़ा सा मेरे को इतना अंदर में नहीं गया हूँ, शायद मेरे जो चैनल के ऊपर व्यूअर है तो इसके ऊपर शायद नहीं जाएंगे, तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर जा सकते हैं एंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड इसके अंदर जो है 15 मिलियन जो है कंबाइन इंसेंटिव जो है इसके अंदर आने वाला है, तो आप लोग इसके अंदर भी रिवार्ड गेन कर सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। ठीक है, तो मैं उसके बाद में इसकी वॉलेट भी है जिसको आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पे देखेंगे तो ये इस ऑप्शन में आप लोग को इसका जो है अवलेंचर वॉलेट इसको मिल जाएगा। तो आप लोग आपके यहाँ पे जैसे इथेरियम में वॉलेट बनाते हैं ये मेटामास में, तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका भी यूज कैसे आप लोग की अवलेंचर की जितने भी प्रोजेक्ट को ये लोग सपोर्ट करते हैं तो उसको टोकन को जो है आप लोग यहाँ पे सेफली सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सारा यूज कैसे इसके अंदर, एंड यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो इसके अंदर इतना हाइप क्यों आ रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछेंगे इसके अंदर हाइप जो है इतना क्यों आ रहा है। तो इसके ऊपर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर इनकी ट्विटर हैंडल पे आप लोग आएंगे तो इसके ऊपर देखेंगे तो लगभग 70-100K से ऊपर जो है लगभग इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। ये जो है धीरे धीरे जो जैसे हमने बात किया कि इसकी जो सी चेन है इन्होंने जो है यहाँ पे बिल्ड कर चुके, तो इसके ऊपर जो है इनका वर्क जो है अभी जो है स्टार्ट हुआ है, तो इसकी इसीलिए जो है इसके अंदर ज़्यादा हाइप जो है अभी से क्रिएट होना स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो वार्क है वो अभी के टाइम पे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग एक अच्छा खासा यार्निंग इसके साथ करना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट के साथ जा सकते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर देखेंगे तो इसके ऊपर एक स्टेबल कॉइन भी यहाँ पे बिल्ड हुआ है। अभी अगर आप लोग देखें तो उस स्टेबल कॉइन को स्पाइसी यूएसटी, तो ये बेसिकली जो है स्टेबल कॉइन यहाँ पे बिल्ड हुआ है। लगभग इसका जो स्टेबल कॉइन आप लोग कैसे जानते हैं कि ये जो है $1 यहाँ पे रहता है, एंड वॉल्यूम की बात करें तो ये अभी के टाइम पे जो टोटल सप्लाई है अभी जो है इतना यहाँ पे हुआ है। तो बेसिकली ये जो है बिल्ड कैसे होता है स्टेबल कॉइन, इसके बारे में अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बता दूँ। जितने भी आप लोग यहाँ पे कॉइन आप लोग इसका सप्लाई जितना बढ़ता हुआ देखेंगे तो इसके बदले यहाँ पे उतने बर्थ की, मत मान लीजिए यहाँ पे जो है $1 है तो $1 की बर्थ यहाँ पे जो है अवेक्स टोकन जो है इसको इनको जो है मतलब स्टोर करना पड़ेगा, मतलब इसको फ्रीजिंग करना पड़ेगा। तो जैसे फ्रीजिंग करेंगे तो $1 मतलब यहाँ पे 25 टोकन अगर यहाँ पे बिल्ड करना चाहते हैं यूएसडी, तो यहाँ पे जो है 25 की मतलब एक अवेक्स यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। इसको रखने के बाद जो है यहाँ पे एक यूएसडी जो है ये स्टेबल कॉइन यहाँ पे एक बिल्ड हो पाएगा। तो जिसके हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो अभी के टाइम पे जो है इतना टोकन जो है यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इतना टोकन वर्थ अगर आप लोग जितना अमाउंट देखेंगे तो उसी अमाउंट का अभेक्स जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है फ्रीजिंग किया होगा। ठीक है, तो इसके बदले जो है एक यूएसटीटी यहाँ पे निकला है, तो इसको अगर आप लोग स्टेबल कॉइन को यूज करना चाहते तो इसको बिल्ड कर सकते हैं। अभी के टाइम पे अगर मार्केट के आपके ऊपर देखेंगे तो ये जो है 3 नंबर के ऊपर जो है ट्रेंडिंग के ऊपर अभी के टाइम पे चल रहा है, तो ये देख सकते हैं क्योंकि इसकी जो है अभेक्स चेन के ऊपर ये अभी बिल्ड हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा दूँ थोड़ा, तो ये देख सकते हैं अवलेंचर मेननेट के ऊपर जो है ये टोकन जो है यहाँ पे बिल्ड हुआ है। तो इसके ऊपर आप लोग जा सकते हैं, एंड इनकी ट्विटर हैंडल पे अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो इसको थोड़ा सा हम लोग, ये बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पे 5436 फॉलोअर्स जो है यहाँ पे हो चुके हैं, एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ज़्यादा कुछ ट्वीट नहीं, लेकिन इसके अंदर जो है पोटेंशियल यहाँ पे बना हुआ हम लोग को दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जितना भी स्टेबल कॉइन यहाँ पे रिलीज होता जाएगा तो ये जो है अवलेंचर्स की यहाँ पे क्वांटिटी जो है मान लीजिए ये फ्रीजिंग होता जाएगा, तो जिसकी वजह से इनका क्वांटिटी ऑलरेडी जो है यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से इसके ऊपर अच्छा खासा हाइप आएगा और आने वाले दिनों के अंदर ये एक अच्छा खासा पंप यहाँ पे दिख सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर आप लोग को मैं थोड़ा याद करवा दूँ तो यहाँ पे ट्रॉन के अंदर जो है यहाँ पे स्टेबल कॉइन आया, जिसकी वजह से ट्रॉन जो है यहाँ पे 72 0.3
0.72 सेंट से यहाँ पे जो है ट्रॉन की इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पे स्टेबल कॉइन को लाया गया, जिसकी वजह से इसकी नीचे जो है प्राइस यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है, अभी के टाइम पे अगर $25 अभी जो है अबेक्स चेन के अंदर यहाँ पे प्राइस चल रहा है, तो आप लोग को यहाँ पे सोचना है कि आप लोग को क्या करना है। मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट जो है यहाँ पे दे दिया है, अगर आप लोग यहाँ पे बाय करना चाहते हैं इसको, तो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है $20 पे एक बाइंग जोन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बाइंग जोन जो है आप लोग यहाँ पे $11 to $12, ये एक बाइंग जोन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे $2.3 यहाँ पे अगर यहाँ पे आ जाता है तो आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो वार्क है, एक्चुअली जो वार्क है अबेक्स चेन की, ये अभी जो है यहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग को मालूम होगा अभी जो है पॉलीगन के अंदर स्टेबल कॉइन आ रहा है, जो भी प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे स्टेबल कॉइन वो लोग लेके आ रहे हैं, वो जो प्रोजेक्ट है अभी के टाइम पे स्ट्रांग यहाँ पे दिखता जा रहा है। तो इसी हिसाब से अगर आप लोग देखें तो 14 नंबर की रैंक के ऊपर जो है अवलेंचर चेन जो है ये रन करता है अबेक्स। तो इस टोकन को आप लोग को थोड़ा बहुत अपना पोर्टफोलियो की ऐड करके रखना चाहिए। इसके बारे में जो है कोई भी आप लोग को इंडिया के अंदर यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं बनाया होगा, इसके ऊपर पहला वीडियो जो है मैंने आप लोग को यहाँ पे दिया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग रन के लिए यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं तो आप लोग को इसको होल्ड करना चाहिए। लेकिन आप लोग को एक मेरे तरफ से हिंट्स ये है कि फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो मैं हुई नहीं, तो आप लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा बहुत अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को यहाँ पे जैसे लूना के अंदर यहाँ पे हुआ था, तो ऐसे भी इस कॉइन के साथ भी हो सकता है, ऐसा भी आप लोग को ध्यान रखते हुए इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। लेकिन इसका जो पॉजिटिवनेस है ये थोड़ा ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, 14 नंबर रैंक के ऊपर ये जो है कॉइन मार्केट के ऊपर रैंक कर रहा है, एंड इसके ऊपर जो है बिल्ड होना जो प्रोजेक्ट है ये अभी बिल्ड होना अभी के टाइम पे स्टार्ट हुआ है। तो आगे देखते हैं इसके ऊपर क्या कुछ होता है, तो इसके ऊपर जो है वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। एंड आज की वीडियो में अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा है इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड ऐसे प्रोजेक्ट अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में एक टिप्स आप लोग को दे सकते हैं, ताकि थोड़ा मोटिवेशन होके हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड अपना फ्रेंड सर्कल में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड ऐसा अपॉर्चुनिटी जो है आप लोग को कभी भी इस चैनल पे मिस होता हुआ नहीं दिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।